मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, टीवी शो निमकी मुखिया में इमरती देवी का किरदार निभाने वाली रीता भादुड़ी का मंगलवार को निधन हो गया। वो पिछले 10 दिनों से आईसीयू में एडमिट थीं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत की वजह उनकी खराब किडनियां थीं। वो पिछले कुछ समय से इस बीमारी से जूझ रही थीं। एक्टर अमित बहल ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रीता जी 10 दिन से सुचॉय हॉस्पिटल में थीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में 3.5 अरब से ज़्यादा गुर्दे के मरीज हैं, जिनमें औरतों की तादाद 1.9 अरब है। खासकर ग्रामीण इलाकों में गुर्दे की बीमारी का समय पर इलाज नहीं हो पाता। महिलाओं में गुर्दे की तकलीफ 14% होती है तो पुरुषों में 12%। इसलिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में अगर आपने ध्यान दिया हो तो किडनी से जुड़ी बीमारियों से होने वाले मौतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। बावजूद इसके लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं के लक्षण समझ नहीं पाते और डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और बचने के मौके कम होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि शरीर में हमारी किडनी काम क्या करती है। दरअसल किडनी हमारे शरीर में सफाई का काम करती है। ये गंदगी बाहर निकालने वाले सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। दोनों किडनियों से खून साफ होता है। हमारी दोनों किडनियों में छोटे छोटे लाखों फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स हमारे खून को साफ करने का काम करते हैं। किडनी में होने वाले इस सफाई सिस्टम की वजह से हमारे शरीर से हानिकारक तत्व पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं। किडनी के अन्य कामों में लाल रक्त कण का बनना और फायदेमंद हार्मोन्स रिलीज करना शामिल है। किडनियों द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स द्वारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी विटामिन डी का निर्माण भी होता है। शरीर में पानी और अन्य ज़रूरी तत्व जैसे मिनरल, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस का रक्त में संतुलन बनाए रखने के लिए किडनी का महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि उम्र बढ़ने पर किडनी की कार्यशीलता भी प्रभावित होती है, पर कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिनसे वक्त से पहले ही किडनी से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इन समस्याओं का कारण किडनी की बीमारियों से जुड़ा पारिवारिक इतिहास, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नशा और ज़्यादा वजन हो सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे लक्षण जो किडनी संबंधी बीमारियों की दस्तक हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है पीठ दर्द का। अक्सर लोग पीठ दर्द होने पर ये महसूस करते हैं कि उन्हें किसी और तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको पीठ और पेट के किनारों में बिना वजह दर्द महसूस हो रहा हो तो किडनी में इन्फेक्शन या किडनी संबंधी बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो आपको वक्त बेवक्त वजह बेवजह दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा शरीर अकड़ना और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं भी सामने आती हैं। पीठ के नीचे की तरफ होने वाले दर्द की एक वजह किडनी में पथरी भी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक रेनाल डिजीज एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें किडनी के सिस्ट में पानी भर जाता है और पीठ में नीचे एक तरफ या पेट में दर्द होने लगता है। इसके अलावा एक दूसरा कारण होता है स्किन का खुरदुरा होना या खुजली होना। अगर अचानक त्वचा का फटना, रैशेस होना, अजीब लगना और बहुत ज़्यादा खुजली महसूस हो तो शरीर की गंदगी के एकत्रित होने के ये परिणाम हो सकते हैं। किडनी के निष्प्रभावी हो जाने से शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा प्रभावित होती है, जिससे अचानक से बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। आमतौर पर स्वस्थ त्वचा भी फटने लगती है, खुरदरी हो जाती है और खुजली हो जाती है। इसीलिए जब किडनी की वजह से खारिश होती है तो लोग पहचान नहीं पाते। बात करेंगे तीसरे कारण यानी यूरिनरी फंक्शन में बदलाव की। यूरिनरी फंक्शन में जो सबसे पहला लक्षण उभर कर आता है वो है यूरिनरी फंक्शन में बदलाव। किडनी में किसी प्रकार की समस्या के चलते पेशाब के रंग, मात्रा और कितनी बार पेशाब आता है, इन चीज़ों में बदलाव आ जाता है। इसके अलावा आप कुछ और लक्षणों पर भी ध्यान दे सकते हैं,
जैसे रात में बार बार पेशाब आना, पेशाब की इच्छा होना पर बाथरूम में जाने पर पेशाब ना होना, हमेशा से ज्यादा गहरे रंग में पेशाब आना, झाग वाला और बुलबुलों वाला पेशाब आना, पेशाब में खून दिखना, पेशाब करने में दर्द होना या जलन होना, इसके अलावा किडनी खराब होने पर भी शरीर में सूजन आ जाती है। दरअसल हमारी किडनियां शरीर से गंदगी निकालने का काम करती हैं, साथ ही शरीर में से अतिरिक्त तरल पदार्थ को भी निकालती हैं। जब किडनियों की कार्यप्रणाली में कोई दिक्कत आती है तो शरीर से बाहर ना निकलने वाली गंदगी और तरल पदार्थ समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जिनसे शरीर में सूजन आ जाती है। ये सूजन हाथों, पैरों, जोड़ों, चेहरे और आंखों के नीचे हो सकती है। अगर आप अपनी त्वचा को उंगली से दबाएं और डिंपल थोड़ी देर बना रहे तो डॉक्टर के पास जाने में देर बिल्कुल ना करें। इसके अलावा किडनी खराब होने पर चक्कर आना या कमजोरी जैसी समस्या हो जाती है। जब किडनियों की कार्य प्रणाली में अवरोध होता है तो आपको हमेशा चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है। पूरे समय आप थकावट महसूस करते हैं और कमजोरी का एहसास होता है। ये लक्षण खून की कमी और गंदगी के शरीर में जमा होने से उत्पन्न हो सकते हैं। शरीर में एनीमिया की स्थिति बनने से सर घूमना, हल्का सर दर्द, संतुलन ना बनना जैसे लक्षण उभरते हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि एनीमिया की वजह से दिमाग तक जरूरी मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता। बाद में ये समस्या याददाश्त तक पहुंच जाती है और काम से ध्यान भटकने लगता है। इसके अलावा सोने में भी मुश्किल आने लगती है। जब किडनी सही प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पाती तो लाल रक्त कणों की संख्या घट जाती है। इसके अलावा शरीर की गंदगी बाहर ना निकलने से भूख कम लगती है और आप काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं। सांस फूलने जैसी समस्या महसूस होती है। किडनी शरीर से गंदगी निकालने के साथ ही खून के प्रवाह को भी सुचारू करती है। किडनी में परेशानी होने से फेफड़ों में भी मुश्किल खड़ी होती है और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। अब बात करेंगे कि आप अपनी किडनी को किस प्रकार हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी आदत में एक्सरसाइज को शामिल जरूर करें। अगर आप नियमित रूप से एरोबिक व्यायाम और दैनिक शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो ये आदतें रक्तचाप को सामान्य रखने में और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। इस तरह शारीरिक गतिविधियां मधुमेह और रक्तचाप के खतरे को कम कर देती हैं और इस तरह से CKD के खतरे को कम किया जा सकता है। बात करेंगे हेल्दी डाइट की। इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपनी डाइट में ताज़े फल और सब्जियों युक्त आहार लें। आहार में चीनी, वसा और मांस का सेवन घटाने की कोशिश करें। जो लोग 40 से ज़्यादा के हो चुके हैं उन्हें भोजन में कम नमक लेना चाहिए, जिससे उच्च रक्तचाप और किडनी की पथरी के रोकथाम में मदद मिले। बात करेंगे बढ़ते वजन की। स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम के साथ अपने वजन का संतुलन बनाए रखें। ये डायबिटीज़, हृदय रोग और CKD के साथ जुड़ी अन्य बीमारियों को रोकने में सहायक होता है। इसके अलावा धूम्रपान और तंबाकू के उत्पादों का सेवन ना करें, क्योंकि धूम्रपान का सेवन रक्त प्रवाह को कम कर देता है, जिससे किडनी की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि धूम्रपान की वजह से उन लोगों में जिनके अंतर्निहित किडनी की बीमारी है या होने वाली है, उनकी किडनी की कार्यक्षमता में गिरावट तेजी से आती है। बात करेंगे पानी की। रोजाना 3 लीटर से ज़्यादा या 10-12 ग्लास से ज़्यादा पानी पिएं। पर्याप्त पानी पीने से पेशाब पतला होता है और शरीर से सभी विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को निकलने और किडनी की पथरी को बनने से रोकने में सहायता मिलती है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी किडनी का चेकअप रेगुलर कराते रहें। दरअसल होता यह है कि किडनी की बीमारियां अक्सर छुपी हुई और गंभीर होती हैं। आखिरी स्टेज पर पहुंचने तक इसमें किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं दिखता है। किडनी की बीमारियों को रोकथाम और शीघ्र निदान के लिए किडनी की बीमारियों की रोकथाम और शीघ्र निदान के लिए सबसे शक्तिशाली
प्रभावी उपाय है नियमित रूप से किडनी का चेकअप करवाना, पर अफसोस इस बात का है कि लोग किडनी का चेकअप ज़्यादा नहीं करवाते हैं। किडनी का वार्षिक चेकअप कराना उच्च जोखिम वाले व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, उच्च रक्तचाप हो, मोटापे से ग्रस्त हों या जिनके परिवार में किडनी की बीमारियों का इतिहास रहा हो, उनको साल में एक बार किडनी का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप किडनी से प्रेम करते हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो 40 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से किडनी की जांच करवाते रहें। तो ये थी खास जानकारी किडनी की बीमारी से जुड़ी हुई, जिसकी चपेट में आकर एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कलाकार हमारे बीच से जा चुकी हैं। उम्मीद करते हैं किडनी से जुड़ी इस खास जानकारी का आप बेहद ख्याल रखेंगे और इसे फॉलो भी करेंगे। तो फिर दीजिए हमें इजाज़त, बहुत जल्द मिलते हैं।